ओके, आफ्टर द शेल्टर्स वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द केव पेंटिंग्स. अभी तक हमने पढ़ा कि वो शेल्टर्स में रहते थे, बट शेल्टर्स में वो व्हाट डिड दे डू. यूजुअली दे यूज टू पेंट, डू पेंटिंग इन द वॉल्स ऑफ द केव्स. वो हमें कैसे पता चलता है? On the walls of some caves, paintings have been discovered. These paintings are of animals. Paintings of humans are very rare. तो वो लोग caves में जब रहते थे ना, तो वो caves के जो walls होते थे वहाँ पे they used to paint. And mostly these paintings are of animals. ठीक है? They are not human. Human paintings are very rare. मतलब वो ह्यूमन्स की पेंटिंग बहुत कम बनाते थे. दे यूजुअली दे यूज टू ड्रॉ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स. द केव्स इन विच द पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड आर वेरी डार्क. इट सीम्स द अर्लीस्ट ह्यूमन्स यूज्ड फायर टू लाइट अप द केव एंड देन पेंट ऑन द वॉल्स. तो वो क्या करते थे एक्चुअली, जैसे मैंने बोला कि ये केव्स किसको मिले हैं, ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिस्ट ही ये सभी चीज़ें ढूंढते हैं. एंड दे हैव फाउंड डैट ये गुफाएँ जो हैं, ये केव्स जो हैं, दे आर वेरी डार्क, है ना, क्योंकि गुफा के अंदर लाइट नहीं जाती, सूरज की जो रोशनी होती है वो नहीं जाती है. ठीक है? सो वॉट हैपन्स, तो इट वी कम टू नो डैट यूजअली दे यूज टू लाइट समथिंग फायर. ठीक है? दे लाइट फायर एंड दे पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. Their paintings on this wall show huge animals like bison, bull and stag. तो इन सभी animals के painting ही दीवालों पे मिले हैं, on the walls पे. You can see the paintings. There are some pictures given in your book. ठीक है? इस तरीके के animals के pictures they used to draw. These drawings and painting give us an idea of how the earliest humans lived, the animals around them, how they hunted these animals and the tools they use. And from these paintings we come to know that to ye log kaise rehte the aur unke aaju baaju mein kaun se animals rehte the, hai na, and how they used to hunt in animals ko wo log kis tarike ke tools ko use karke in sabhi animals ko wo log kill karte the. theek hai? In sabhi paintings uns wall pe draw kiye gaye hain. प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स. देखो ये पेंटिंग्स कहाँ पे मिले हैं. स्टोन टूल्स फाउंड एट, स्टोन टूल्स कहाँ पे मिले हैं, में मेहता खेड़ी, मध्य प्रदेश. ठीक है? यहाँ पे मेहता खेड़ी जो जगह है वहाँ पे ये सभी स्टोन टूल्स मिले हैं. ठीक है? एंड रॉक पेंटिंग्स फाउंड एट भीमबेटका, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में ही ये सभी पेंटिंग्स मिले हैं. ठीक है? और कहाँ पे मिले हैं, द नेम ऑफ द प्लेस इज भीमबेटका. ओके. इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स. सो रिमेंबर दिस, इंडिया एक ऐसी, मतलब बहुत सारे जगह में से ऐसे बहुत ही कम जगह है जहाँ पे ये सभी रॉक पेंटिंग्स मिले हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट ह्यूमन्स. ठीक है? और ये इंडिया में कहाँ पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में. मोस्ट ऑफ दीज आर इन द केव्स ऑफ, और ये केव्स कहाँ पे हैं, विंध्या एंड सतपुड़ा हिल्स. ठीक है? ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विंध्या एंड सतपुड़ा हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया. तो यहाँ पे ये सभी केव्स पाए गए हैं. ओके. नाउ दिस यू सी, टर्न ऑन द पेज. वी हैव एंडेड द चैप्टर. एज आई टोल्ड यू दैट आई विल शेयर विथ यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो द MCQs आंसर्स ऑल्सो आई विल शेयर विथ यू. But there are three words that I want to share with you. New words, page number in 14. First one is adapt. Okay, what is the meaning of adapt? The spelling is ADAPT. Adapt means to change something in yourself in order to get comfortable in a new situation. It obviously applies to our situation. है ना? पहले आप लोग कैसे स्कूल जाते थे हमेशा, है ना? The teacher used to come to your class and do all the sessions. But now what we are doing? We are doing online classes and video lectures. है ना? तो we have adopted ourselves to this new situation. Okay, so this is the meaning of adapt. Fossils.
द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट डेट हैव बिकम हार्ड एंड टर्नड इन टू रॉक. तो फॉसिल्स जो वर्ड है वो आपको अच्छे से याद रखना है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? जब कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो वो जब मर जाता है, ठीक है, बहुत सालों सालों पहले, 100 years, 1000 years मर जाते हैं, तो उसकी जो रिमेन्स होती है, जैसे हम हड्डी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, ठीक है. और ऐसे जैसे कैसे मिला है, जैसे अभी डायनासोर के फॉसिल्स हमें मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, बहुत पहले ऐसे एनिमल्स होते थे जो अभी नहीं हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड फॉसिल्स. एंड द थर्ड वन इज रेयर, समथिंग विच इज़ नॉट सीन, डन और हैपन्स वेरी ऑफन. रेयर मीन्स कभी कभी, जैसे अभी हम रोज बाहर नहीं जाते, हम कभी कभी बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन वी आर स्टिल इन होम. रेयर मीन्स बहुत ज़्यादा कम, कभी कभी, ठीक है. सो हियर वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो मीट यू इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, ठीक है. तब तक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, टेक आउट योर क्वेश्चंस, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, सो एंड सो डैट इन ऑनलाइन क्लास यू कैन आस्क मी, ठीक है. एंड आई विल डेफिनेटली शेयर यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. थैंक यू.